बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। CNN पाकिस्तान न्यूज़ में नैयर काज़मी आपके साथ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली शाह के विजन के मुताबिक DPO चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की ज़ेर क़यादत पुलिस खिदमत मरकज़, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और पुलिस मिसाक मरकज़ पर दी जाने वाली सहूलियात की रिपोर्ट। चकवाल पुलिस आवाम दोस्त पुलिस के विजन के मुताबिक अब चकवाल पुलिस न सिर्फ जुराइम और क्रिमिनल लोगों की बाबत ही काम कर रही है, बल्कि चकवाल पुलिस अब बनी गरीब व बेसहारा मुआशरे का मसीहा, जिसके तहत सुबह भर की तरह चकवाल में बने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज, पुलिस खिदमत मरकज और मिसाक मरकज आवाम उन्नास की खिदमत में पेश पेश हैं। DPO चकवाल पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज चकवाल की बुनियाद मोरखा 28 मार्च 2023 को चकवाल 15 चौक में रखी गई, जिसमें फोकल पर्सन एक ट्रांसजेंडर नीलम इकबाल को तैनात किया गया, ताकि मुआशरे का कोई भी तबका बिला झिझक अपने दरपेश मसाइल के लिए तशरीफ ला सके। खबर की मजीद तफसीलात जानते हैं CNN पाकिस्तान न्यूज की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवा साल 2023 में पुलिस खिदमत मराकज चकवाल में, जो कि टोटल 4 है और एक मोबाइल वैन पुलिस खिदमत मरकज वैन है, इस पर टोटल 65,000 अफराद को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की गई हैं, जबकि इसी दौरानियों के दौरान पिछले साल 2022 में टोटल 25,000 अफराद इस सहूलियात से मुस्तफीद हुए थे। मैं साथ ही साथ ये बताता चलूं, पुलिस खिदमत मरकज 15 चौक के साथ मिसाक सेंटर और तहफ़्फ़ुज़ मरकज भी कायम किया गया है, जहां पर सैकड़ों अफराद को मुख्तलिफ सर्विसेज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को फराहम की गई हैं, जिसमें काबिले जिक्र 47 व्हील चेयर्स मुख्तलिफ माजूर अफराद को दी गई हैं। ये बायस फख्र है, चकवाल पुलिस अवाम दोस्त पुलिस विजन के साथ हमने टोटल 79 MOUs साइन किए हैं NGOs के साथ, और उनकी मदद से तहफ़्फ़ुज़ मरकज और मिसाक सेंटर्स की अच्छी कारकर्दगी को और मजीद बेहतर बनाया जा रहा है।